Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre nursery to 9th. फैमिली पूरी आ जाओ दीदी आ जाओ पास में. हाथ तो हटा ले. सीधा रखो सीधा. दीदी सामने देखना. ये वाला नाम लिखो ना ये ऊपर लिखा पीएम देखो पीएम ये हो जाए तो कुछ आराम से पीएम. कल मेरे बच्चे ने मेरे परिवार ने कहा कि पापा इस कोरोना जैसी महामारी में हमसे जो बन सके हम कुछ राशि अपने देश के प्रति देना चाहते हैं. बच्चों की सहमति से परिवार की सहमति से हमने ये निर्णय लिया कि हम अपने देश को 101,000 रुपये का चेक प्रधानमंत्री सहायता कोष में देने की हमने निर्णय लिया. इस पर माननीय विधायक जी अनीता बदेल जी से मैंने संपर्क किया और उनकी सहमति से उनको मैंने देश के लिए 101,000 रुपये का चेक सुपुर्द किया. अजमेर शहरवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? अजमेर शहर नहीं, मैं पूरे देश से ही अपील करना चाहूँगा. इस कोरोना जैसी महामारी में आप घर में रहें, घर से बाहर न निकलें और इस एकता और संगठन बना के रखें और इस देश में महामारी से जो देश के सहकर्मी डॉक्टर नर्स सफाईकर्मी प्रशासन जो भी सहयोग दे रहे हैं उनका कोऑपरेट करें, उनकी सहायता करें, उनका सम्मान करें. ये सम्मान ही हमारी देश में एकता का एक मिसाल है. आपके बेटे के मन में ऐसा क्यों आया? हमारे बच्चे के मन में इसलिए आया, छोटे बच्चे हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बच्चे समझदार हैं, तो मालिक की दया से सब कुछ है. तो बच्चों को ये प्रेरणा और मैं भी आगे भी सब बच्चों से यही कहूँगा कि ऐसी प्रेरणा वो भी ग्रहण करें और ऐसी देश की महामारी में जब भी ऐसी कभी देश पे आपत्ति आए तो वो एक होकर जो भी सहायता बन सके वो देश की सहायता करें. तो आपके बच्चे ना करें, आप भी आगे कुछ ऐसा करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जब भी करूँगा अपने बच्चे के माध्यम से ही करूँगा. आपका नाम बताइए. मेरा नाम पदम कुमार आसवानी. बच्चे का नाम सचिन कुमार आसवानी. क्या करता है बच्चे? पढ़ाई करता है. संत लीला शाह कॉलोनी धोलावाटा में सचिन आसनानी ने अपने पिताजी को आग्रह किया कि वो पीएम केयर रिलीफ फंड में कोरोना के लिए अपना पैसा देना चाहता है और आज इस 12 साल की उम्र के बालक के जज्बे को सलाम है, इसकी भावनाओं को सलाम है कि इससे मोटिवेट होकर के इसके पिताजी ने इसको पैसे दिए और इसने 101,000 रुपये की राशि जो है पीएम केयर फंड में रिलीज की है और चेक के माध्यम से ये राशि उनको पहुंचाई है. मैं निश्चित रूप से आसवानी जी के इस बच्चे को, इनके पिताजी को और इनके समस्त परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. मैं अपनी ओर से भी और अपने प्रधानमंत्री जी की ओर से भी कि इस कोरोना की लड़ाई के लिए बच्चे भी सामने आ रहे हैं और बच्चों ने भी आगे बढ़ कर के इस लड़ाई में सहयोग के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं. निश्चित रूप से हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बालक हैं, ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो अपनी भावनाओं को इस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की भावना से हमें उत्साह मिलता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए. निश्चित रूप से ऐसी भावना हमारे प्रदेश के, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में है और इससे हम कोरोना की जंग को बहुत बखूबी से लड़ेंगे और उसको हरा करके ही दम लेंगे.